आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक चॉइस अप्रोच, या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लोक चयन उपागम। ये 1960 और 70 के दशक में एक विचारधारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में सामने आई। क्या है ये, इस पर बात करें। दिस आइडियोलॉजी केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1960s एंड 70s, ऑलमोस्ट कोइंसाइडिंग विद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब एनपीए की विचारधारा सामने आ रही थी, लगभग उसी समय ये भी सामने आए। और एक स्कॉलर हुए हैं डेनिस म्यूलर, उन्होंने इसको अपने तरह से परिभाषित किया है। डेनिस म्यूलर हैज डिफाइंड दिस व्हाट इट इज, लेकिन उनकी डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम आपको क्लास में दूसरे और सामान्य तरीके से सरल भाषा में नहीं बताते। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वेरी मीनिंगफुल एंड सिंपल मैनर। अब इसमें कुछ बड़े टेक्निकल वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे कि प्राविधिक या व्यवस्थित व्यक्तिवाद, मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। तो जोसेफ शुमपीटर एक स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने ये टर्म यूज किया है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये इसका एक लिटरेचर है जो आपको पीडीएफ के रूप में आप चाहे तो स्कैन कर सकते हैं। फिर एक हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसमें डाल दिए हैं ताकि आप इसमें इतना पढ़ने के बाद और क्लास करने के बाद इसको अटेम्प्ट कर पाएं और देख सकें कि आप क्या इसका आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो क्वेश्चन आंसर राइटिंग सेशन जो है आपका इस टॉपिक पर शुरू हो जाएगा। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच या लोक चयन उपागम के बारे में एक रोचेस्टर विचारधारा है, एक शिकागो विश्वविद्यालय की विचारधारा है और एक वर्जीनिया विश्वविद्यालय की विचारधारा है। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। सो वन इज रोचेस्टर आइडियोलॉजी, दी अदर इज शिकागो यूनिवर्सिटी आइडियोलॉजी एंड दी थर्ड इज वर्जीनिया यूनिवर्सिटी आइडियोलॉजी। और फिर कुछ इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है ताकि आप समझ सकें कि इसमें एंथोनी डाउन्स नाम के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने क्या। तो इस तरह से फिर फाइनली इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्या इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इस पर बातचीत है। और फिर एक क्वेश्चन आंसर है और इस तरीके से ये आपका विषय कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट बेस्ड। अब क्या है ये, बहुत सरल और साधारण शब्दों में समझे तो 1960s और 70s में, 60 और 70 के दशक में अमेरिका के कुछ बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जन कल्याणकारी योजनाएं, जनता का विकास, देश और समाज का विकास करने के लिए सरकार, लोक प्रशासन, नौकरशाही और राजनेता की जगह स्वयं लोगों के पास ये विकल्प होना चाहिए कि वो अपने लिए कैसी योजनाएं बनाना चाहते। और इसलिए इसका नाम क्या हुआ, लोक चयन। लेट द पीपुल हैव दिस चॉइस एंड फ्रीडम दैट दे शुड डिसाइड वॉट प्लान, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दे वॉन्ट फॉर देमसेल्व्स। दीज प्लान, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर देयर वेलफेयर और डेवलपमेंट और ग्रोथ और फॉर एनी पर्पज शुड नॉट बी डिसाइडेड बाई द पोलिटिशियंस और ब्यूरोक्रैट्स।
एंड सिंस पीपुल शुड हैव दिस फ्रीडम एंड चॉइस दिस वाज टर्म्ड एज पीपुल्स चॉइस अप्रोच। अब ये जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, इनका ये कहना था कि दरअसल जब सरकार में बैठे नेता और नौकरशाह योजनाएं बनाते तो वो जनता का हित, जनता का कल्याण, जनता का भला नहीं चाहते, क्योंकि नेता जो योजनाएं बनाता है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है किसी भी तरह से चुनाव में जीतना और दोबारा सत्ता में वापस आना। इसलिए इन अर्थशास्त्रियों ने नेताओं को कहा जो सत्ता में आने के लिए योजनाएं बनाते हैं, बड़ी लोकप्रिय घोषणाएं करते हैं, प्रधानमंत्री जी आजकल रेवड़ी संस्कृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कह रहे हैं कि फ्रीबी कल्चर, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुफ्त में हम इलाज करा देंगे, मुफ्त में हम महिलाओं को बस में सफर करने की सुविधा देंगे, और हम साहब मोहल्ला क्लिनिक में खोल करके मुफ्त इलाज करा देंगे, बढ़िया मुफ्त में स्कूल और शिक्षा दे देंगे, और पंजाब में उनकी सरकार ने 20-30 तरीके की घोषणाएं कर दी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। क्योंकि इनका मकसद क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता का कल्याण, बल्कि अधिकाधिक वोट बैंक हासिल कर। तो इन अर्थशास्त्रियों ने नेताओं के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, दे आर वोट मैक्सिमाइजर्स, ये मत संवर्धक है। अब ये जनप्रिय लोकप्रिय जनकल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे और ये वोट बैंक इनका बढ़ेगा, वोट बैंक बढ़ेगा तो इन्हें ज्यादा वोट मिलेंगे, ये फिर चुनाव में जीतेंगे और फिर सत्ता में आएंगे, और ऐसा करने में अगर जनता के कुछ लोगों का भला हो जाए तो इन्हें इस पर एतराज भी नहीं है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं, जनता का कल्याण करना, जनता का भला करना इनका मुख्य उद्देश्य, इनका मुख्य उद्देश्य वापस सत्ता में लौटना है। इसलिए क्या है, ये वोट मैक्सिमाइजर्स। और इन अर्थशास्त्रियों ने एक दूसरा शब्द भी प्रयोग किया, नौकरशाहों के, लोक प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों के। उन्होंने कहा कि ये जो नौकरशाह नेताओं के साथ मिल करके योजनाएं बनाने में उनकी सहायता करते हैं, उनके हाथ से हाथ मिले रहते हैं, क्योंकि ये इन योजनाओं के द्वारा अपना कट, कमीशन, पैसा कमाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार कमाना बढ़ाना चाहते हैं और बजट का आकार बढ़ाना चाहते हैं, ताकि बजट का जितना आकार होगा, जितना बड़ा बजट बनेगा, उतनी बड़ी इसमें उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी। तो इसलिए एक शब्द प्रयोग किया उन्होंने कि ब्यूरोक्रेट्स आर बजट मैक्सिमाइजर्स, ये बजट संवर्धक है। अब बजट बड़ा बने, लोकहित की योजनाएं बने, नेताओं का वोट बैंक बढ़े, नौकरशाहों के अधिकार और भ्रष्टाचार और पैसा कमाने के अवसर बढ़े, इस तरह से बजट का आकार बढ़े और ऐसे में जनता का कुछ भला भी हो जाए तो इन्हें इस पर एतराज भी नहीं है, लेकिन ये इनका मुख्य उद्देश्य। तो ये काम बाजार और अर्थव्यवस्था में जनता के द्वारा, जब बाजार और अर्थव्यवस्था मिल करके ये काम करेंगे तो जनता, क्योंकि उसको अपने लिए अपने हित की योजनाएं बनानी है, तो वो वैसी विकास योजना बनाएगी। क्योंकि बस्तर में रहने वाले आदिवासी की समस्या लखनऊ में रहने वाले हमारे आप जैसे लोगों की समस्या से बिल्कुल अलग है। अगर हम पूरे देश में बैठकर एक योजना बना देंगे तो जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े समूह हैं, जो गरीब वर्ग हैं, वो तो उस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। जब आदिवासी लोग अपने समस्या, जरूरतों और चुनौतियों के अनुसार जो संसाधन उनके पास हैं जिससे उनकी समस्या दूर हो, वो अपनी योजनाएं बनाएंगे और बाजार और अर्थव्यवस्था उसमें मदद करेगा, तो वो योजना सफल होगी। और उसका मुख्य उद्देश्य ही केवल और केवल क्या होगा,
जनता का कल्याण होगा, इससे देश का पैसा बचेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा और जनहित को बढ़ावा मिलेगा. सो व्हाट दे सेड दैट द पॉलिटिशियंस आर इन फैक्ट दे आर वोट मैक्सिमाइजर्स बिकॉज देयर इंटेंशन इज नॉट एक्चुअली इन फैक्ट प्राइमरली द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल. Their actual and real intention is how to increase their vote bank and come back to power again. Therefore, they make such planned policies and program which seems very attractive, very popular, but very unrealistic and impractical. Irrespective of this fact, they make such plans and programs, so they are vote maximizers. And bureaucrats, they are budget maximizers. They want to enhance and allocate maximum budget to such planned programs because they want their cut, commission, and they are involved in all types of corruption. Larger the size of the budget, larger their cuts and commission, and therefore they are budget maximizers. So while maximizing vote and while maximizing budget, if few people get advantage, they don't have any objections, but it is not their real purpose. आप मिसाल के तौर पर, आप लोग या तो बहुत छोटे रहे होंगे या तब पैदा नहीं होंगे, आप लोगों ने लैंडलाइन फोन का जमाना देखा, वो लैंडलाइन जिसमें नंबर डायल किया, उसके बाद पुश बटन आया, फिर तो बड़े स्मार्टफोन आ गए, लैंडलाइन के ही थे, लंबे समय तक चलते रहे और अब लैंडलाइन फोन कहीं रहे. लैंडलाइन के जमाने में पूरे भारत में फोन लगाने का अधिकार किसके पास था? केवल और केवल भारत सरकार के दूर संचार मंत्रालय. और फोन लगवाना अपने घर में बहुत बड़ी बात थी और बड़ी विलासिता समस्या थी, क्योंकि बहुत खर्चीला हुआ करता. और करीब 20-25 पन्नों का फॉर्म भरना पड़ता, फिर आपका नंबर आता था तो 3-4 साल बाद आता था, फिर नंबर आने के बाद 3-4 साल बाद जिस दिन आपके शहर के टेलीफोन विभाग का लाइन मैन आपके दरवाजे पर घंटी बजाकर कहता था साहब आज हम फोन लगाने आए हैं, तो आपको लगता था कि आपको जीवन में पता नहीं क्या मिलेगा. इतना खुश होकर सब नाचने लगते थे, मोहल्ले वाले मिठाई बांटते थे, और वो जब फोन की पहली घंटी आपके घर में बजा के जाता था तो कहता था कुछ मिलेगा, ऊपर से पैसा देता. और उन दिनों अगर आपको लखनऊ से दिल्ली या बंबई बात करनी हो तो कॉल बुक करनी पड़ती, उसको ट्रंक कॉल बुकिंग. अगर आज आपने सुबह 11 बजे अपनी कॉल बुक कराई टेलीफोन विभाग में सरकार के और शाम तक आपकी बात हो गई या अगले दिन बात हो गई, केवल 2 दिन में लखनऊ से बंबई, ये बड़ी बात. बाजार आ गया 1991 के बाद, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था खोल दी गई, टेलीफोन लगाने के लिए तमाम प्राइवेट कंपनीज आ गए, आज हर हाथ में मोबाइल. जियो ने शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, बाद में कुछ चार्ज लगा दिया, और आज की तारीख में हर कंपनी, वो वोडाफोन आइडिया हो, वो भारती हो, वो एयरसेल हो, वो रिलायंस की जियो हो, आज उनके लिए कस्टमर इज द किंग
एंड दे गिव यू द बेस्ट पॉसिबल टैरिफ प्लान्स इन द मोस्ट चीपेस्ट मैनर एंड इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर बिकॉज दे वॉन्ट इफ दे आर एबल टू प्लीज देयर कंज्यूमर इफ द मार्केट इज हैप्पी विद देम देन दे विल ऑल्सो बिकम रिच एंड द कंज्यूमर विल गेट द बेनिफिट्स. तो जब टेलीकॉम कंपनी के क्षेत्र में निजी कंपनियां आ गई तो फायदा किसको हुआ? और आपको हुआ. क्योंकि बाजार बहुत निष्ठुर बहुत निर्मम होता है. बाजार में केवल वही टिका रह सकता है जो आपको सर्वश्रेष्ठ सेवाएं कम से कम दामों में उपलब्ध करे, वरना वो स्वयं बाहर जाए. और यदि बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है, होड़ होती है, एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए कंपनियां तरह तरह की योजनाएं लाती हैं और उन योजनाओं से जनता का भला हो जाता है क्योंकि उनको सर्वश्रेष्ठ सेवाएं मिलती हैं और कम से कम दाम. तो जब सरकारी नेता अगली बार चुनावी रैली में ये कहे आपसे कि अगर हम सरकार में आए सत्ता में आए तो हम मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मुफ्त शिक्षा मतलब नो शिक्षा, मुफ्त इलाज मतलब नो इलाज, मुफ्त बिजली मतलब नो बिजली. जब जब सरकारों ने किसानों से कहा है कि हम आपको मुफ्त बिजली देंगे तो गांव में बिजली नहीं, और शिकायत भी किससे करो? शिकायत करने जाओगे तो जूनियर इंजीनियर कह देगा कि बिजली का पैसा तो देते नहीं हो और बिजली तुम्हें 24 घंटा चाहिए, चलो भागो यहां से. और मुफ्त बिजली हो या मुफ्त इलाज हो या मुफ्त शिक्षा हो, ये मुफ्त हो कैसे सकती है? बिजली देने के लिए आपको बिजली घर बनाना पड़ेगा, आपको ट्रांसमिशन लाइन बिछानी पड़ेगी, आपको पावर जनरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए वर्कर और इंजीनियर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन से घर घर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, फिर हर महीने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होगी, फिर जो वियर एंड टेयर तोड़फोड़ होगी, मेंटेनेंस होगी, उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा. तो बिजली जब मुफ्त में पैदा ही नहीं हो सकती तो मुफ्त में दी कैसे जा सकती? तो एक आध दिन दो दिन की बात तो चलिए समझ में आती है, सरकार वहन कर लेगी, लेकिन सालों साल तो ये नहीं हो पाएगा. अगर आप कहते हैं कि मुफ्त इलाज करेंगे, अगर हम सरकार में मुफ्त इलाज कैसे करेंगे? डॉक्टर को पैसा नहीं देंगे, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, उनकी नियुक्ति नहीं करेंगे, उनकी सैलरी नहीं बांटेंगे, अस्पताल में डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं खोलेंगे, एक्सरे की मशीन एमआरआई की मशीन नहीं खरीदेंगे, दवाइयां नहीं खरीदेंगे, रोजमर्रा अस्पताल पर जो खर्चे होते हैं वो नहीं उठाएंगे, और अगर वो खर्चे उठाएंगे तो आप मुफ्त इलाज, तो मुफ्त इलाज मतलब नो इलाज. तो आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो होगा ये कि बाएं पैर का ऑपरेशन होना है, दायां पैर काट के फेंक देंगे, निकलता अखबार. अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि ब्लड की जगह पर बगल में अनार का जूस रखा था, नर्स ने वही चढ़ा दिया, आदमी की हुई मौत हो गई. ऐसी लापरवाही. दवाइयां अगर आप अस्पताल से के स्टोर से खरीद लें तो वो खड़िया है कि कूड़ा है कि कंकड़ है कि पत्थर है, ये आ जानी है. दवाई तो बिल्कुल, क्योंकि दवाई खरीदने में तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा पहले ही फार्मास्यूटिकल कंपनी से मोटा पैसा ले चुके हैं, और नेताजी तो वादा करके ही आए थे मुफ्त दवाई मुफ्त इलाज का, इसीलिए नेताजी अपनी सरकार चला रहे. सरकार ये तो कर सकती है कि हम आपको न्यूनतम न्यूनतम संभव दामों पर बिजली इलाज शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा ये सब देंगे, मुफ्त में कैसे कर देंगे?
जब तक उसे पागल है। किसान तो कह रहे हैं फ्री में करते हैं, और दिल्ली में बार बार केजरीवाल ही फ्री का नारा देकर जीत जा रहे। मुफ्त अनाज की योजना 2024 तक बढ़ा दी गई, जिस पर 80,000 करोड़ रुपया सरकार का खर्चा होगा। लेकिन अगले साल इलेक्शन, उनको इलेक्शन दिखाई दे रहा है, वो देखें 80,000 करोड़ वो उनकी जेब से जा रहा है। आप कहिए, अगर आप में बहुत दम है कि अगर हम सत्ता में आए तो आते ही हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और अपनी पार्टी फंड से वो पैसा बांटे, है दम? बांटो पार्टी फंड से पैसा, अरे जेब से तो एक पैसा निकल नहीं रहा है, राजकोष का पैसा, करदाताओं का पैसा, हमारा आपका पैसा, आप मुफ्त में यूं उड़ा दे रहे हैं जैसे आपका उस पर कोई अधिकार, क्योंकि उनका मकसद ही कुछ। जब तक जहां जहां सरकार की मोनोपोली थी, सरकार का एकाधिकार था जिस जिस क्षेत्र में, वहां पर भारी दुर्दशा, भ्रष्टाचार और हर तरह की अव्यवस्था। ये आम बोलचाल की भाषा में एक कहावत बन गई थी, अरे सरकारी तौर तरीका है, सरकारी काम। यानी अगर कहीं कामकाज बहुत ढीला ढाला, सुस्त, समय के पीछे, बहुत महंगा खर्चीला हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, तो आप कहते थे कि अरे ये तो सरकारी, मतलब सरकारी कामकाज कैसा, किसका पर्याय बन गया था? काम न करने का, देरी से करने का, उल्टा सीधा करने का, ज्यादा पैसा खर्च करके उसको पूरा करने का काम अगर आप कर रहे हैं तो आप सरकारी काम। लेकिन वही काम जो सरकार 100 रुपए में करती है, वो प्राइवेट सेक्टर उससे 10 गुना बेहतर गुणवत्ता के साथ 10 रुपए में कर देते हैं, क्योंकि जो 90% का कट कमीशन और ये सब है, ये गायब। जब तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर सरकार का कब्जा था, देश में केवल 2 ही गाड़ियां बनती थी, एक एम्बेसडर, दूसरी की है। सरकारी अफसर चलता था तो एम्बेसडर से चलता था, और प्राइवेट आदमी चलता था तो फीएट से चलता था, और वो भी फीएट जो है शहरों में सबके पास नहीं होती थी, जो शहर के बड़े नामी गिरामी वकील, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े लोग हुआ करते थे, उनके पास मोटर गाड़ी, चार पहिया वाहन होता था। अगर आपने 2 व्हीलर खरीद लिया हो बजाज का, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 4 व्हीलर तो खैर सपने के ही बाहर, आदमी अपने जीवन की पूरी पूंजी और कमाई लगा करके 60-70 वर्ष के आसपास जब पहुंचता था तो फीएट कार ले पाता। और अगर आप आज बुक कराते थे तो नंबर 5 साल बाद आता था, तब तक जो फीएट बुक कराया था उसकी फोटो पर माला चलता था। और हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग के यहाँ अगर कोई अंकल आंटी जिनके पास गाड़ी थी 4 व्हीलर वो आते थे तो हम लोग ये अंकल के पास वो जैसे कि यूं सीना चौड़ा करते और बड़ा एहसान करता, आओ छह चक्कर लग। फिर हम भाई बहनों में मार होती थी कि खिड़की के पास पहुंचते, क्योंकि खिड़की में ऐसे सर निकाल के बाहर,
और उस रास्ते में शोर मचाते हाथ हिलाते, सब लोग देखेंगे हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो कोई चिर परिचित यार दोस्त निकल रहा हो तो वो तो जरूर देख ले, अरे रिंकू 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 देखो हम जा रहे हैं। सुने तो देखे तो, और वो जो गाड़ी का शीशा होता था उसको अगर चढ़ाना या ऊपर करना हो तो एक उसमें लीवर लगा देता था जिससे वो ऊपर नीचे होता था, वो लगभग जाम की स्थिति में। तो दो हम भाई बहन मिलकर उसको खींचो खींचो ऊपर खींचो ऊपर 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 खींचो, और दो लोग शीशा ऐसे खींचते थे तो वो ऊपर चढ़ता था, ऐसे नीचे आता था। प्राइवेट कंपनी आगे गाड़ियों की भरमार है, ब्रांड्स की भरमार है, देसी गाड़ी हो विदेशी गाड़ी हो फोर व्हीलर हो, आप जो चाहें वो ले लें, जेब में पैसा है आप रॉल्स रॉयस से लेकर के महिंद्रा स्कॉर्पियो से लेकर के जो मन गाड़ी आती है, पावर विंडो के साथ यूं ऐसे हाथ रखेंगे खट से शीशा चल, यूं हाथ रखेंगे खट से शीशा चल। ये चित्रहार में गाना देखा होगा, देव साहब गाड़ी चला, बगल में एक्ट्रेस कौन है याद नहीं आ रहा, चूड़ी नहीं मेरा दिल है, जा सीधे रहे हैंडल ऐसी हिला रहे, क्योंकि तब की स्टीयरिंग में इतना प्ले होता था, व्हील्स होती थी कि जैसे मान लीजिए अगर आपने गाड़ी स्टार्ट किया और पोस्ट ऑफिस पर आपको मुड़ना है तो काटो 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 कहा जाता है, यानी अभी से स्टीयरिंग मोड़ना शुरू करोगे तो पोस्ट ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते मुड़ ही जाएगी। आज क्या है पावर स्टीयरिंग, आप एक उंगली से ऐसे घुमा देंगे ना 360 डिग्री पर गाड़ी नाच जाएगी। जब मैं फौज में गया तो ट्रेनिंग में हमारे उस्ताद साहब शक्तिमान ट्रक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, इंस्ट्रक्टर साहब, तो बोले साहब जी जब ये ऐसे स्टार्ट करेंगे ऐसे गियर लेंगे, ये क्लच है ये ब्रेक है ऐसा है वैसा है सब बताया उन्होंने, और अब अगर मान लीजिए यहाँ से 200 मीटर दूर कोई गड्ढा है, कोई साइकिल वाला है, कोई रिक्शा है, कोई रूम गुजर रहा है, पंप करो पंप करो पंप करो पंप करो, यानी ब्रेक को कई बार दबाना पड़ता था और लगभग दोनों पैर से ब्रेक पर खड़े हो जाते थे तब जाकर गाड़ी रुकती थी। पावर ब्रेक लगाते ही चारों पहिए जाम, पीछे काली पहिए के निशान छप जाते, ये निजी कंपनी का फायदा है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे हमारे साथ कोई नहीं था जो टू व्हीलर से आता, तो टू व्हीलर होते नहीं थे, होता भी था तो पापा के पास होता था और पापा ऑफिस चले जाते। तो अगर किसी दिन कभी पापा ने कहा कि बेटा देखो दो दिन तो मैं बाहर जा रहा हूँ इसकी स्कूटर की सर्विसिंग करा देना, फिर तो समझिए क्या है, वो स्कूटर की सर्विसिंग क्या होती थी, वो पहले कॉलेज आकर अपना स्कूटर बड़े शान से हम लोग बताता था कि कोई ये है और इस तरह यार एक बार बैठा के भी जरा दिखाओ ना यार, नहीं नहीं छूना नहीं, और बजाज है तो आधा लेटा देना पड़ता, और फिर उस पर किक मारते थे तब वो स्टार्ट होता था, और बिना लेटाए वो स्टार्ट ही नहीं होता, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी थी, आज तक हमें रहस्य नहीं समझ पाए कि बजाज को लेटाते क्यों। विजय सुपर सरकार की एक कंपनी थी, वो स्कूटर सरकार बताइए स्कूटर बनाती थी, वो माई का लाल होता था जो एक बार विजय सुपर स्टैंड से उतर गई तो उसको खड़ा करके दिखाते थे,
फिर चार पांच लोग मिलके खींचो, वो स्टैंड पर नीचे पैर लगा के किसी तरह से वो खड़ी होती। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब लोगों के पास विकल्प चयन करने का अधिकार होता है तो वो खुद अपने लिए जो बेहतर है उसको चुनते हैं। आज आपके पास चाहे गाड़ी चुनना हो, चाहे फोन सेवाएं चुननी हो, चाहे जो भी प्राइवेट सेक्टर में है, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स और प्लेयर्स हैं जो आपको अपने बजट, क्वालिटी और सर्विस के हिसाब से बेहतर लगता है, जिस पर आपको लगता है कि हाँ ये चीप एंड बेस्ट पॉसिबल में हमको सब कुछ मिल रहा है, हम वो लेंगे। आप ले लीजिए, क्योंकि अब सरकार की मोनोपोली नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर जानता है कि हम तभी सर्वाइव कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे या ग्रो कर पाएंगे जब हम जनता को बेहतर से बेहतर सेवाएं, बेहतर से बेहतर सर्विसेज कम से कम दामों पर। बिकॉज पॉलिटिशियंस थिंक ओनली अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एक्चुअली इन फैक्ट। एंड देयर फॉर व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर 1991 व्हेन द economy was open, when liberalization, privatization, globalization took place, when competition and choice was made available to the people, when there were multiple private players and companies in the same sector, they started giving best of the best services in the most affordable price, because for them they knew it full well they will be able to survive. Forget about growth, they'll be able to sustain only when they are able to please the people with their services, quality, technology, high end technology and in the most affordable price. So this is called as public choice approach. पब्लिक का नाम इसलिए यूज किया गया क्योंकि पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, और जब गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है तो लोगों के पास चॉइस नहीं। जब सरकार ही सब कुछ करे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। जब देश का राजा व्यापारी हो जाता है तो देश की प्रजा भिखारी हो जाती है। राजा का काम व्यापार करना, राजा का काम शासन करना, व्यापार और बाजार को चलाना है, संचालित करना, नजर और निगरानी रखनी है कि ये बाजार और व्यापार में कोई गड़बड़ियां ना पैदा करने पाए, कोई घोटाला ना करने पाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि विजय माल्या और नीरव चोकसी जैसे लोग पनपने ना पाए, अडानी कुछ गड़बड़ी करके शेयर बाजार में इधर उधर हेर फेर ना कर पाए। सरकार का काम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, सुपरवाइजरी है। सरकार का काम स्कूटर बनाना, टीवी बनाना और बिस्कुट बनाना, ये काम सरकार का नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर कर लेगा। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, पीस, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी एंड टू सुपरवाइज द मार्केट इकोनॉमी, टू रेगुलेट द मार्केट इकोनॉमी सो एज नॉट टू अलाउ एनीथिंग रॉन्ग टू टेक प्लेस। But if the government will start becoming and acting as a businessman and will not allow any other private sector to operate in that field, then you will have no choice.
either you have it or you don't have it. That's all. What is the choice before you? तो ये कहा जाता है कि लोक चैन उपागम के द्वारा दरअसल अर्थशास्त्रियों ने लोक प्रशासन में पिछले दरवाजे से घुसकर अपना नियंत्रण और वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया, ये उसके आलोचक है। दैट द इकोनॉमिस्ट ट्राइड टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू बैकडोर एंट्री सो एज टू टेक कंट्रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें कुछ बड़े नाम हैं। कौन से बड़े नाम हैं? विंसेंट ऑस्ट्रॉम, विलियम निस्कानन, गॉर्डन क्यूलॉक, जेम्स बुकान, विंसेंट ऑस्ट्रॉम, विलियम निस्कालन, गॉर्डन ट्यूलॉक, जेम्स बुकानन एंड देर ऑल इकोनॉमिस्ट्स, ग्रेट इकोनॉमिस्ट। और भी लोग हैं लेकिन ये दे आर कॉल्ड एज द मेन प्रोपेगेटर्स ऑफ दिस थियरी एंड विंसेंट ऑस्ट्रॉम इज द फाउंडर ऑफ पब्लिक चर्च। हियर पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। व्हेन गवर्नमेंट हैज मोनोपोली ओवर द मार्केट, इकोनॉमी, सोसाइटी, देन पीपुल डोंट हैव एनी चॉइस। So let people should have their choice of freedom to decide for themselves. तो आप देखिए पाकिस्तान की हालत जो आज हुई है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी पर पूरी तरह से केवल फौज का कब्जा है। फौज सीमेंट बनाती है, बिस्किट बनाती है, अगरबत्ती बनाती है, ब्रेड बनाती है, फौज का काम ही है। तो 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई में तो फिर हर देखनी पड़ेगी ना, जब तुम बिस्कुट बनाओगे। और फौजी जनरल जर्नैल की तस्वीरें हम देखते हैं, हमारी समझ में आई आज तक 75 साल में एक लड़ाई किसी से जीते नहीं और तमगे इतने सारे लगा रखे हैं, काहे बात के लगा रखे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वहां पर फौजी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी डिसाइड करती रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं। और इलेक्टेड गवर्नमेंट जानती है फौज की मदद से ही वो सत्ता में आते हैं और वो सत्ता में आते ही हैं इसलिए कि उनको केवल और केवल पैसा कमाना है। वो चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, या अब तक कुल मिला जुला कर 3-4 ही वहाँ पर सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, बाकी तो 75 साल में 60 साल फौज का ही शासन रहा। कायदे आजम जिन्होंने टू नेशन थियरी दी और पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान बनाने के कुछ ही महीनों बाद उनकी मौत हो गई जब वो बहुत बीमार चल रहे थे और हॉस्पिटल में मतलब भर्ती नहीं हुए थे, घर पर ही थे। तो उनके सबसे करीबी मानने वाले एक
जो शख्स थे उनका नाम था लियाकत अली खान, जो बाद में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो एक रोज सुने कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत बहुत खराब है, तो उनके मिजाज कुर्सी के लिए मिलने जुलने उनके घर गए। तो वो अपनी बहन के साथ रहते थे, उनकी बहन ने बताया कि लियाकत अली साहब आए। तो जिन्ना ने जानते हैं वो मेरी मिजाज कुर्सी या मुझे देखने के लिए नहीं आया, वो ये देखने के लिए आया कि अब तक मैं मरा क्यों नहीं, क्योंकि उसकी नजर मेरी कुर्सी पर। और ये उनकी सिस्टर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा। और लियाकत अली खान को फौज ने मार दिया, फिर तब से फौज का कब्जा रहा। पहली बार इलेक्शन कब हुए पाकिस्तान, 1971, और पाकिस्तान के बीच इसी से पहला इलेक्शन हुआ। सोचिए 47 से दोनों मुल्क लगभग एक साथ आजाद हुए। एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 को हिंदुस्तान, पाकिस्तान। अब ये तो एक पक्ष है जो ये बताता है कि लोक चयन उपागम क्या है और क्यों होना चाहिए। उसका दूसरा पक्ष भी है, उसका उसकी आलोचना भी की जाती है। हर चीज का जवाब निजी क्षेत्र में। हर चीज का जवाब जनता खुद अपने से तय नहीं कर सकती, क्योंकि जनता इतनी पढ़ी लिखी काबिल होशियार नहीं। एंड यू कैन नॉट हैंड ओवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू द प्राइवेट सेक्टर और ओपन मार्केट इकोनॉमी, बिकॉज देयर एम इज ऑल्सो ओनली टू अर्न एंड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सेकेंड, what the world has observed that increasing privatization, few have become very rich, but a last large population have become very very poor, having even the basic level of subsistence economy. So there is a huge disparity increasing between the haves and have nots, and the inequality index of the last year proves that India is one of the most unequal societies in the world. Third, for private sector and open economy, for industries to operate, they only target the profitable sector where they can produce things to earn profit. SCs, STs, OBCs, minorities, women, children, sick and diseased people, old age people, it is not their priority and preference. So they will not invest for their development, and this large section of society cannot be left to the mercy of the private sector or open market economy. It is the obligation of the state, legal and moral both, to look after the large section of society, because a government who cannot serve many who are poor will not be able to save few who are rich. People will revolt against them. That is what we have seen in the form of Naxalism and Maoism. Initially, they started their movement of Naxalism and Maoism with their rights on their own land and resources. Though gradually it went haywire and they started making connections with terrorist outfits.
तो इसके आलोचक कहते हैं कि सब कुछ बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, और विश्व की जो असमानता का सूचकांक पिछले वर्ष जारी हुआ, पिछले वर्ष किया गया, इस वर्ष जारी हुआ, उसमें यह कहा गया है कि भारत विश्व के सबसे अधिक असमान देशों में एक है। अभी कुछ दिन पहले इसी वर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, भारत भ्रष्टाचार के मामले में देश दुनिया के उन देशों में है जो सबसे भ्रष्टतम देश, मोस्ट करप्ट कंट्री। तो जब आप निजी क्षेत्र में सब कुछ छोड़ देंगे तो निजी क्षेत्र तो केवल वहीं ध्यान लगाएगा जहां से उसको लाभ। तो गाना गाएगा, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स, वो माइक्रोचिप्स में, एग्रीकल्चर में, पॉवर्टी एलिविएशन में, एससी एसटी डेवलपमेंट में, माइनॉरिटी वेलफेयर में, महिलाओं और बच्चों के विकास में, गरीब निराश्रित बुजुर्ग बीमार लोगों के लिए योजनाएं और कार्यक्रम नहीं बनाएगा, क्योंकि उनके लिए तो ये तथाकथित अनुत्पादक क्षेत्र है, सो कॉल्ड अनप्रोडक्टिव एरिया है ना, इसमें क्यों इन्वेस्ट करना है, इसमें कोई फायदा नहीं। तो वो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगा, जहां जहां उसको फायदा है वहां वहां। तो सरकार की ये नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी है कि सरकार सब कुछ निजी हाथों को न सौंपे, क्योंकि एक तो जनता स्वयं इतनी शिक्षित और सक्षम नहीं है कि अपने बारे में अपने निर्णय ले सके, वो जागरूक नहीं है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं, उसको खुद नहीं पता है उसका जीवन कैसे जीना चाहिए, उसको क्या योजना बनाए। योजना बनाने के लिए जो अधसंरचना चाहिए, जो विशेषज्ञता चाहिए, जो डेटा बैंक चाहिए, जो एक्सपर्टाइज चाहिए, उसके पास है ही नहीं। और बाजार केवल वहां पहुंचेगा जहां उसको मोटिया फायदा लालच दिखाई दे, ये उसका समझ में आ गई। नाउ यू कैन, फेमस इकोनॉमिस्ट सच एज जेम्स बुकानन, गॉर्डन ट्यूलॉक, विलियम निस्कानन एटसेट्रा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेम्स बुकानन, गॉर्डन ट्यूलॉक, विलियम निस्कानन इत्यादि, प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ पीसी। ने पीसीए का सिद्धांत प्रस्तुत किया, इनफैक्ट विंसेंट ऑस्ट्रोम, वस्तुतः विंसेंट ऑस्ट्रोम इज रिगार्डेड एज द चीफ प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस थियरी। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। Who said that? जिन्होंने कहा के इट इज टाइम अब समय आ गया है कि द ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेड अ रियल डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन।
नौकरशाही आधारित प्रशासन को वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक प्रशासन बनाया जाए। He has authored his most famous book, उन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। In which he gave the theory of PCA, जिसमें उन्होंने PCA का सिद्धांत। According to Ostrom, Ostrom के अनुसार One, PCA is anti-bureaucratic. PCA नौकरशाही का विरोध करता है। Two, it believes in institutional pluralism. It believes in institutional pluralism. यह संस्थागत बहुलवाद में विश्वास रखता है। इट इज अ सपोर्टर ऑफ डाइवर्स एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डाइवर्स एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यह विविध और लोकतांत्रिक निर्णयन का समर्थक है। इट रेजेस क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स अबाउट द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फ्रीबी कल्चर। यह लोक वितरण प्रणाली और रेवड़ी संस्कृति के आर्थिक महत्व पर चिंताएं और प्रश्न खड़े करता है। एंड द लास्ट, इट वांट्स more and more decentralization and people's participation in plan, policy and program. यह योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में अधिकाधिक जनसहभागिता और विकेंद्रीकरण का पक्षधर है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, पीसीए अपोजेस द फॉलोइंग। पीसीए निम्न का विरोध करता है। वन, मोनोसेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। एकल केंद्रित प्रशासन। टू, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी।
राजनीतिक प्रशासन विभाजन, थ्री लॉन्ग चेन ऑफ हायरार्की, पद सोपानिक क्रम की दीर्घ श्रृंखला, रैशनल एंड न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी। रैशनल एंड न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी चेंज, देयरफॉर PCA implies choice and competition. अतः PCA में चयन करने की स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा पर बल दिया गया है। For which private sector and open market economy must be encouraged and involved. जिसमें निजी क्षेत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था की सहभागिता और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना चाहिए। Even the World Bank view has said in his report Challenges of Development 1991 यहां तक के विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट 1991 में कहा है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट्स आर द बेस्ट वे, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स आर द बेस्ट वे of efficiently organizing production and distribution of goods and services. वस्तुओं और सेवाओं के व्यवस्थित और कार्यकुशल वितरण और उत्पादन के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार सर्वश्रेष्ठ उपाय है। William Niskanen in his book, Bureaucracy and Representative Government, has supported the concepts and principles of PCA. ने PCA की अवधारणा का समर्थन
किया है। PC almost came into existence coinciding with NPA in 1960s. PCA की उत्पत्ति लगभग एनपीए के ही साथ 1960 के दशक में हुई। एंड बाय 1980s इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर थॉट इन यूएसए। और 1980 के दशक तक आते आते यह अमेरिका में एक बहुत लोकप्रिय विचार बन गया। विच वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द देन यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन। और तब इसके तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के और तब इसके समर्थन में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति और तब इसके समर्थन में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन भी सामने आए। It is said that in PCA में यह कहा गया क्या why people private sector and open market economy are the best way to provide goods and services, welfare and development of the people. क्यों जनता निजी क्षेत्र या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने तथा जनकल्याण और विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ है कि दे नो इट फुल वेल, वो भली भांति जानते हैं। What is beneficial to them? उनके लिए लाभकारी क्या है? What are their needs, challenges, and available resources? उनकी आवश्यकताएं, चुनौतियां और उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं? And they can sustain and survive. तथा वे केवल तभी अस्तित्व में बने रह सकते हैं
when they provide best of goods and services in the least minimum and affordable prices. जब वे न्यूनतम दामों में उत्कृष्टतम वस्तु और सेवाएं प्रदान करें, वेयर एज द पॉलिटिशियंस आर वोट मैक्सिमाइजर्स, जबकि राजनीतिक मत संवर्धक है, एंड ब्यूरोक्रेट्स आर बजट मैक्सिमाइजर। तथा उनके साथ कार्य करने वाले नौकरशाह बजट संवर्धक है। And their real aim is not the welfare and development of the people, अतः उनका वास्तविक उद्देश्य जनता का कल्याण या विकास करना नहीं है, rather how to come back to power by increasing their vote bank balki apna vote bank badhate hue kaise satta mein wapas lautna hai and how to increase the size of the budget aur kaise budget ka aakar badhana hai in order to enhance their cut commission and authority taki unke cut कमीशन और प्राधिकार में वृद्धि हो सके। हाउएवर स्टीवन कोलमैन हालांकि स्टीवन कोलमैन जुर्गन हैबरमास एंड्रयू एरेटो and I.K. Gebhardt halanki Jürgen Habermas Andrew Arato आईके गेबहार्ट इत्यादि हैव प्रेजेंटेड द क्रिटिकल थियरी ऑफ पीसीए
ने पीसीए के विरुद्ध आलोचना का सिद्धांत दिया है। In their book, co-edited by अपनी पुस्तक जिसके सह संपादक हैं एंड्रू एरेटो एंड आईके गेबहार्ड तथा आईके गेबहार्ड इन द एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर ने एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर में हैव स्ट्रॉन्गली अपोज्ड पीसी ने पीसीए का भारी विरोध किया। सेइंग दैट और कहा है कि The so-called private sector and open economy, open market economy, तथाकथित निजी क्षेत्र और मुक्त बाजार is only the profit maximizer. केवल लाभ संवर्धक है। Wants to operate only in profitable sector. केवल उत्पादक क्षेत्र में ही कार्य करना चाहता है। Enhances economic disparities and inequalities. आर्थिक विषमताओं और असमानताओं को बढ़ावा देता है। And a large section of underprivileged and poor people तथा निर्धन और अपवंचित समूहों का एक बड़ी जनसंख्या वर्ग कैन नॉट बी लेफ्ट ऑन देयर मर्सी इनकी दया और रहमोकरम पर छोड़ा नहीं जा सकता। Hence, attention should be paid to remove the flaws in the government. अतः सरकार के दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एंड नॉट टू हैंड ओवर एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू द प्राइवेट सेक्टर एंड ओपन इकोनॉमी न के सभी कुछ निजी क्षेत्र या मुक्त बाजार पर छोड़ देना। कोई शक कोई सवाल
ऑल द पॉइंट्स क्लियर। चलिए कल बात करते हैं, अब कल होगा एलपीजी।